हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, जिसको निभाने के लिए बाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि 12 तारीख को फैसला लिया जाएगा, गठबंधन रहेगा या नहीं? राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे 6 वोटर किसको वोट देंगे, इस पे गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं। कल से आपका आरोप लग रहा है मंत्री जी कि अखिलेश जी आपको इग्नोर कर रहे हैं, मीडिया में ऐसा खबर चल रही है। हो सकता है, लेकिन हम ये कहां से आपको लग गया? हो सकता है, हमको नहीं लग रहा है। आपने बयान दिया है मीडिया में, बड़ा बड़ा बयान चल रहा है आपका। मैं आज अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, कल आपको बुलाया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया, तो वही बता सकते हैं। अरे तो जुगाड़ बना के हिल जाइए, क्या दिक्कत है? 12 तारीख तक हम लोग 12 को प्रेस वार्ता करेंगे, उसी में डिसीजन। शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊं। तो हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहा, जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है, जो नेता देगा वहाँ जाएंगे। लगातार इग्नोर किया जा रहा है, तो अगला कदम क्या है आपका? अब 12 तारीख को पहले या 18 को चुनाव बीत जाए तब बता। लाइन तो आप ही दे रहे हैं। अरे हमारा विरोध कौन करता है? नहीं, हमारा एक आदमी बताइए जो विरोध करता हो। आज आपने कहा कि भाजपा नंबर वन पार्टी है। भाई मैंने देश की सत्ता में है, प्रदेश की सत्ता में है, तब उसको 2 नंबर कैसे बताएंगे? आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद भाजपा ही चर्चा में है, संगठन है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा में है, समाजवादी पार्टी नहीं है। संगठन धरातल पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे कोई काम कर रहा है तो सुहेल देव भारती समझ। अब हम तो नहीं दिख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। नहीं, सुहेल देव भारती समाज पार्टी का कमांडर डटा था, समाजवादी पार्टी का कमांडर गायब था। अरे बिल्कुल, क्या कर रहे थे, मजा न ले रहे थे। चलिए।